Hey guys, welcome to my new blog. सुबह के हो रहे हैं 10:30 और आज है विजयादशमी. आज जो है वो रावण का दहन किया जाएगा. तो हमारे शाहजहांपुर में भी जो है वो रामलीला लगता है. तो वहाँ पे जो है रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के तीनों पुतले रेडी हो गए हैं. तो आज शाम को जो है उन्हें जलाया जाएगा. तो हम लोग भी जो है शाम को जाएंगे मेला देखने, सभी को लेके चलेंगे और मस्त जो है मेला एंजॉय करेंगे. आई थिंक मैं तो काफी साल से जो है वो पहुंच नहीं पाया हूँ. पता नहीं लास्ट टाइम मैं कब गया था जो है रामलीला देखने के लिए. बट इस बार जो है हम लोग विजयादशमी के दिन मेला जाएंगे. और मेले में बाय द वे जो है लास्ट वाले दिन काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है. तो कोशिश करेंगे जो है वो जल्दी से जाएं और थोड़ा सा जो है भीड़ होने से पहले ही निकल आएं. तो यही सीन रहने वाला है. तो अभी तो फिलहाल मैं नीचे जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे. और आज बाय द वे मुझे काफी सारा काम है. और शनाय की जो है दादी कल इनके लिए काफी सारे टॉयज लेके आई थी. देखे बेटू कौन लेके आया था. बेटू का टॉय कौन लेके आया था. इतनी छोटू सी कार. दादी आपके लिए क्या 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 लेके आई थी कल. I love you too. और शनाया जो है यहाँ आती है तो ये अपने बुआ लोगों के रूम में ही जो है वो अंदर रहती है. पापा से बिल्कुल भी मिलने नहीं आती है ना बिट्टू. पता ही नहीं चलता. कल तो सुनाया मुझे पूरा दिन नहीं दिखी, शाम को दिखी. अभी एक्चुअली मेरे पास टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ जो है एक ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ तब तक, क्योंकि शाम को टाइम मिल नहीं पाएगा. मेरा बेटा मुझसे आजकल बात नहीं कर रहा है भाई. लाचा लल्लू ये क्या होता है. लाचा लल्लू देखना है क्या. यस पापा. पहले पापा को एक किस करिए फिर दिखाएंगे. अच्छे से करिए भाई, देखने के लिए फोन देखने को मिल जाए. एक और करो. देर से फोन देख रही थी फिर भी फोन चाहिए. बताइए दिखा तो आप ही रहते. नहीं मैंने नहीं दिखाया. आप कह रही है दिखाइए देखो. नो बेटू गलत है ना. आप देख चुकी हो, मत देखो. अब ये रोटी ना खाए, दाल रोटी निकलाओ ना खाए तो ये कुछ नहीं. क्या खाना बनाया आज बेटू. मेरा ग्लास क्यों पहने हो आप. लाओ दे दीजिए. शनाया को जो है मेरा चश्मा बहुत ज्यादा. लाओ 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 जा सिम्बू से हाय हेलो कर लो. सिम्बू हेलो. बाय द वे मुझे एक बहुत बड़ा दुख ये होता है कि मैंने सिम्बा को जो है वो खुला छोड़ने की हैबिट नहीं डलवा पाई. ट्रेनिंग बहुत जरूरी है बट क्या करें, इसे अगर बांध के ना रखो तो ये बहुत ज्यादा शरारत करता है, इधर उधर जाएगा. मैं यहाँ पे रह नहीं पाया तो इसकी हैबिट जो है खराब हो गई, इसलिए इसे मजबूरी में बांध के रखना पड़ता है. दिन में मतलब रखते हैं, शाम को इसे छोड़ देते हैं. मास 12 घंटे ऐसे रखते हैं और 12 घंटे जो है वो छत पे मास्क टहलता है. कुछ दिन का टाइम मिले तो इसे ट्रेन करना पड़ेगा. और मैंने बाय द वे खाना शुरू नहीं कर पाया, दूसरी चपाती इन्होंने दे दी है. सोच रही है कि फटाफट खाए और निकले, गलत है ना. तो फिलहाल मैंने लंच कर लिया, सिम्बू ने भी लंच कर लिया है. तो सिम्बू को जो है वॉक करा देते हैं. इसे खाने के बाद में वॉक कराना जरूरी होता है. शो मी योर फेस. ओ भाई अंदर चलना नहीं है क्या, बाहर ही रहना है. चलो पागलपन की दिखा रहा है. चल इसे बहुत मजा आता है ये सब करने में. देखो देखो भाई इसका ध्यान जो है ऐसे निकालना पड़ेगा नहीं तो ये इसे काट देगा. मजा पागल हो रहा. चलो 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 अच्छा कुछ नहीं बस. फिलहाल ब्लॉग कंप्लीट हो गया है, मैंने अपलोडिंग में लगा दिया है. साथ में इधर आइसक्रीम भी आ गई है, पानी लेके आई है व्हाइट आइसक्रीम. तो इसे जो है फटाफट फिनिश करते हैं. बाद में मुझे नींद भी आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक घंटा जो है वो नींद मार लेते हैं. इसके बाद में फिर मुझे नहाना है. आज मैंने नहाया भी नहीं है. जिस दिन मैं घर पे रहता हूँ यही सीन रहता है. और उसके बाद में जो है मुझे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए जाना है मार्केट और फिर इन लोगों को लेके जाना है मेला. या फिर ऐसा करेंगे इन लोगों को साथ में ही लेके जाएंगे, वहाँ सामान वगैरह भी ले लेंगे और साथ में मेला भी दिखा देंगे और फिर हम लोग वापस भी आ जाएंगे. तो अभी एक्चुअली मैं आया हूँ मार्बल खरीदने के लिए. जहाँ पे घर में कार पार्किंग है, कार वगैरह खड़ी होती है, तो वहाँ का फ्लोर जो है खराब हो गया तो इस वजह से शॉप पे आ गए. आई थिंक जो है ये वाला मार्बल खरीद लेंगे, ये फ्लोर पे लग जाएगा तो परमानेंट रहेगा और खराब भी नहीं होगा. तो अभी जो है बुलाया है वो आ जाए फिर देख. ये बड़े बड़े टुकड़े हैं ये नहीं लेंगे, मैं मे भी जो है ये वाले लूंगा, चीप पड़ जाएंगे. ज्यादा बड़े की कोई जरूरत नहीं है, जब मशीन चल जाती है घिस जाता है ना तो सही है, क्योंकि पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं है. जैसे घर के अंदर हो तब तो बड़ी जो है थपकी लगानी. क्या हुआ. तो गाइस यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिल गए जो उससे फोटो वगैरह मांग रहे थे और मुझसे पैसे भी मांग रहे थे. तुम लोगों ने खाया नहीं क्या कुछ. मैं एक्चुअली आइसक्रीम चाहिए, ये ले लो. सही है. ऐसे मैंने गोलगप्पे फर्स्ट टाइम देखे. ये देखो छोटे साइज के हैं, ये हैं बड़े साइज. ये वाले भैया 10 रुपए कितने हैं. 10 के 5. ये भी 5 है. अच्छा मुझे लगा ये 10 के हो सकता ज्यादा. भाई कैसा है.
ड्रेस लगाएंगे मिर्च? हाँ लगा दो, लगाने में क्या दिक्कत है? तो खा के देखो। नहीं नहीं नहीं, अभी जो है मैं अपना वेट में रुका, साथ में मशीन जो है मेरा फ्यूचर बताएगी, फ्यूचर बताएगी ना। ये मूंगफली मैंने हाथ में, इसका भी वेट आ जाएगा। आप 71 किलो है, 71 किलो है, 71 किलो है। आप बुद्धिमान है, आपका परिवार भी बुद्धिशाली होगा। वाली जो मशीन है वेट मशीन, उसने मेरा वेट गलत बताया है, लगभग 4-5 किलो का डिफरेंस। आई थिंक मैं होऊंगा इस समय 66। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेले में सब चलता है भाई। और ये वाले झूले के लिए सब डिमांड कर रहे हैं मैं भी जाऊं, बट मैं नहीं जा रहा। शनाया और हम दोनों लोग नहीं जा रहे। हाँ यार मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। क्या हुआ? तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे वेट कर रहे हैं तीनों लोग, और बाकी लोग जो है झूले के ऊपर जा चुके हैं। मेरी जाने की मतलब हिम्मत वाली कोई खास बात नहीं, बट मुझे पता नहीं कि झूले में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं डर नहीं रहा कसम से, करने वाली कोई बात नहीं। काला जो सामने है ना, ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है। ये नहीं देखो ज्यादा। अरे जब मैंने पैराग्लाइडिंग कर ली, इसमें तो कुछ नहीं है। पैराग्लाइडिंग तो कितने ऊपर पहाड़ से नीचे आते हैं, बट ऐसे कुछ मूड नहीं हुआ। हाय गाइस, बाय बाय। ये कोई दिक्कत नहीं है। बेटू मजा आया? मजा आया आपको? जम करना है बताओ इन्हें, उसने कैसे, उसको बड़े बड़े बच्चे हैं बेटू, चोट लग जाएगी आपके। ये देखो कौन है, ये देखो, ये देखो उधर, देखो कौन है उधर, देखो ऊपर देखो। पूरा ऊपर जा रही है, पूरा गई बच्चा। योद्धा लोग आ चुके हैं, कैसा लगा? अरे बहुत मजा आया, किसी किसी की हालत खराब हो गई। किसकी हालत खराब हुई? भाई एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं ब्रेक डांस पे, तो मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ किसी भी तरीके का झूला, देखते हैं कैसा लगता है। लोग भी पहुंच गए हैं और अब बैठेंगे। हाँ इस पे सही। दो, अरे रुको तो यार, दो ही लोग बैठ, ये तो यार बहुत इल्ला, पहनने क्या अंदर हाथ डाल लेते। गजब का है, अभी हमने देखा है, देखते हैं कैसा है। मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आने वाला है। इधर बड़ा वाला झूला आए कर रही हेलो अब जो है स्पीड पे चलने वाला है। चक्कर आ गया। फुल मजा किया हम लोगों ने। इधर तो दुनिया सही है ना? ना बंद बोलना। क्यों नहीं? लगता है कुछ भी नहीं दूर। अब ये हमने जिस पे मारा वही। अब ये वाला फोन ले। एक का हम भी कर। एक का हम भी करके देखें। एक लूँगा। वही फोड़ना सिंगल वाला जो लगा। हाँ वाह भाई वाह, चला चला चला। डिनर करने के लिए आ गया हमारा हांडी, नान भी आ गए हैं, फटाफट डिनर करते हैं, मुझे नींद आ रही है, जल्दी से घर पहुँच रहे हैं।
फिलहाल हम लोग घर वापस आ गए भाई साहब, रामलीला में काफी ज्यादा मजा आया। बट वो जो भाई ब्रेक डांस वाला झूला था ना, मुझे अभी तक हल्का हल्का चक्कर आ रहा। और हम लोग खाना पीना खा के आ गए। बाकी आज हवा जो है बाहर बहुत तेज चल रही है, पूरे मेरे बाल खराब हो गए। मैं तो एक्चुअली स्कूटी से गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कार से जाएंगे वहाँ पे पार्किंग वगैरह की दिक्कत रहेगी। बट कुछ भी ऐसी खास भीड़ नहीं थी, मतलब जितना हाइप सुनने को मिल रहा था उतना ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।